हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिफरेंस देखेंगे। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टर्स हैं उसको हम यहाँ पर राइट करेंगे और उससे कंपेयर करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स को। तो उससे फिर ये बात क्लियर हो जाएगी कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक का नेम राइट कर लेते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होता है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है वो है लिविंग थिंग्स हैव डेफिनिट लाइफ स्पैन, लिविंग थिंग्स हैव डेफिनिट लाइफ स्पैन। ये फोर टॉपिक हो गए। फिफ्थ टॉपिक जो है हम जो डिस्कस करेंगे वो है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ये हमारा फिफ्थ टॉपिक था। जो सिक्स टॉपिक है वो है लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। ये हमारा सिक्स टॉपिक था। सेवेंथ टॉपिक हम यहीं पर राइट कर देते हैं। सेवेंथ टॉपिक जो है वो हमारा है लिविंग थिंग्स फूड, लिविंग थिंग्स को फूड की नीड होती है। एट्थ टॉपिक जो हमारा है वो है लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। और नाइन्थ और जो इसको हम लास्ट टॉपिक कहेंगे तो लिविंग थिंग्स रेस्पायर। लिविंग थिंग्स में क्या होता है? लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन होता है। तो अब हम यहां एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक हमारा है यह है लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। अगर हम इसको नॉन लिविंग से कंपेयर करें तो नॉन लिविंग जो जितने भी होंगे वो सेल्स, उसमें से कोई भी नॉन लिविंग सेल का बना हुआ नहीं होता है। जो लिविंग होंगे वो सेल के बने होंगे, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। यूनिसेलुलर मतलब चाहे एक सेल का हो, मल्टीसेलुलर चाहे एक से ज्यादा सेल का हो। तो लिविंग थिंग हमेशा सेल के बने होते हैं। जो मल्टीसेलुलर होते हैं वो तो मल्टीसेलुलर होते हैं, उनमें बहुत सारे सेल होते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर वो ऑर्गन्स बनते हैं। तो उनमें हर एक काम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें बस एक ही सेल में उनकी पूरी लाइफ होती है। तो जो लिविंग थिंग्स हैं वो सब सेल्स के बने होते हैं, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। यूनिसेलुलर होगा तो भी उसकी एक सेल में ही पूरी लाइफ होगी, उसी में ईटिंग हो उसी में एक्सक्रीशन हो, वो एक ही सेल में पूरी लाइफ अपनी जिएगा। और जो मल्टीसेलुलर होंगे तो उसमें जो सेल्स होंगे वो फिर उन्हीं से आगे चल के टिश्यूज और ऑर्गन्स बनेंगे, तो वो ऑर्गन्स फिर अपना अलग अलग काम करेंगे। तो लिविंग थिंग्स सेल्स के बने होते हैं। जो नॉन लिविंग है वो सेल के बने नहीं होते, तो उनकी जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटी यूनिट है जिसके बने हुए होते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। जो नॉन लिविंग होंगे वो मॉलिक्यूल्स के बने होंगे, जो लिविंग होंगे वो सेल्स के बने होंगे। सेल्स स्ट्रक्चरल यूनिट है सबसे छोटी, जिसकी लिविंग थिंग्स जो है वो बने हुए होते हैं या उनका उनकी बॉडी का निर्माण होता है, जबकि जो नॉन लिविंग है वो मॉलिक्यूल्स के बने होंगे। तो ये डिफरेंस हो गया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में कि वो कैसे किसके बने हुए होते हैं। लिविंग थिंग्स सेल के बने होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स मॉलिक्यूल के बने हुए होंगे। और जो सेल होंगे वो जाहिर सी बात है सेल का मतलब हो कि वो लिविंग होंगे। नंबर टू आया लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स अपनी जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स, अब लिविंग थिंग्स में कौन? एनिमल्स,
मोस्टली एनिमल्स क्या होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। बहुत सारे लिविंग है जो मूव नहीं कर सकते, जो प्लांट है वो मूव नहीं कर सकते, कुछ एनिमल्स में भी इस तरह के होते हैं जो मूव नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली एनिमल्स तो मूव करते हैं। तो लिविंग थिंग्स में क्या होता है, लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होता है जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में मूवमेंट नहीं होता है। अब मूवमेंट नहीं होता का मतलब ये कि जिस तरह से जो ये कार है, मोटर बाइक्स हैं, ये सब मूव करती हैं, चलती हैं, तो इनका मूवमेंट एक आर्टिफिशियल तरह का मूवमेंट होता है। इनका मूवमेंट इंसानों की तरह का या एनिमल्स की तरह का मूवमेंट नहीं होता, इनका मूवमेंट अलग तरह का होता है। तो इस तरह का मूवमेंट जिस तरह से लिविंग अपने आप से जो मूवमेंट अपने आप में करते हैं वो नॉन लिविंग में नहीं होता। नॉन लिविंग में जो मूवमेंट होता है वो मैकेनिज्म इंसानों ने उसके अंदर डाला हुआ होता है, उसको इस तरह का फंक्शन दिया हुआ होता है कि वो मूव कर सके, तो उस तरह से वो मूवमेंट करते हैं। लिविंग की तरह का मूवमेंट उनमें नहीं होता। तो ये डिफरेंस होता है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनमें मोस्टली ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं। सारे लिविंग तो मूव नहीं करते ना, आप ट्रीज को देखते हैं वो भी मूव नहीं करते, कुछ एनिमल्स हैं जो मूव नहीं करते, स्पंजेस वगैरह। तो अब इसके बाद आते हैं लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होता। लिविंग थिंग में क्या होता है, अगर वो यूनिसेलुलर है तो उसके सेल में ग्रोथ होगा, सेल का साइज बढ़ेगा। लिविंग थिंग में ग्रोथ का मतलब साइज में बढ़ना, और अगर यूनिसेलुलर है तो उसके उसके एक सेल में ग्रोथ होगा, अगर मल्टीसेलुलर है तो उसके सेल्स में मल्टीप्लीकेशन होगा, बहुत सारे सेल्स बनेंगे और फिर उनमें ग्रोथ होगा, मतलब उसका साइज बढ़ेगा। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होता, उनका साइज नहीं बढ़ता। हाँ, कुछ क्रिस्टल्स और जो सैंड के ढेर वगैरह होते हैं, हीप्स वगैरह, उसका एग्जांपल दिया जा सकता है। तो वो उसमें कोई इस तरह का नहीं होता कि ग्रोथ हो, वो तो एडिशनल उसके अंदर कुछ चीजें आके जुड़ जाती हैं तो उनमें उसका साइज बढ़ जाता है। उसका उसका साइज अंदर से नहीं बढ़ता कि उसमें मल्टीप्लीकेशन हो, या जिस तरह से यूनिसेलुलर कोई ऑर्गन है वो बढ़े, तो इस तरह का उसके अंदर ग्रोथ नहीं होता। तो जो लिविंग थिंग है उनमें ग्रोथ होगा, जो नॉन लिविंग थिंग है उनमें ग्रोथ नहीं होगा। आप अगर जिस तरह से आप एनिमल्स में देखते हैं, छोटा बच्चा है तो वो आगे चल के बड़ा हो जाएगा, कोई प्लांट आप छोटा सा लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, इंसान है वो बड़ा होगा, एनिमल है बड़ा होगा, प्लांट है बड़ा होगा, जो लिविंग है वो सब साइज में बढ़ेंगे, उनमें ग्रोथ होगा। नॉन लिविंग में ऐसा नहीं कि एक कार लेके आएंगे तो वो आगे चल के फिर और बड़ा हो जाएगा, ट्रक लेके आएंगे तो और बड़ा हो जाएगा, या कोई छोटा सा फैन है तो वो बड़ा फैन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। नॉन लिविंग में जो ग्रोथ है वो नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग में साइज का ग्रोथ नहीं होता जबकि लिविंग में साइज का ग्रोथ होता है। लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन, इनमें एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है कि कौन किसकी लाइफ कितनी होती है, उस तरह से वो एक लाइफ जिएगा, जबकि नॉन लिविंग थिंग में ऐसा नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग में आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं, हो सकता है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा दिन तक चले, उसको आप रखे रहें, उसको कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जबकि लिविंग थिंग में एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, मतलब उसकी कितनी उम्र होती है, इस तरह से होता है। जैसे आप बैक्टीरिया को ले लें, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की लाइफ में अगर आप देखेंगे तो इसकी लाइफ बस नियर अबाउट 20 मिनट्स, बस 20 मिनट्स के आसपास इसकी लाइफ होती है बैक्टीरिया की, अगर आप बैक्टीरिया को देखेंगे तो। और अगर मान लीजिए आप डॉग की बात करते हैं, डॉग, तो डॉग क्या होगा, 12 to 14 years। अगर लाइन की बात करेंगे, अगर लाइन की बात करेंगे कि लाइन कितने साल तक के उसकी लाइफ होती है, तो नियर अबाउट 22-25 years। अगर एलिफेंट की बात करें, एलिफेंट, तो नियर अबाउट 90 years तक की, इनका 90 years तक के जी सकते हैं। अगर टाइटॉइल की बात करेंगे तो वो 150 years तक के भी वो जिंदा रह सकते हैं। तो इनके अंदर एक डेफिनेट टाइम हो, डेफिनेट इनकी लाइफ स्पैन होती है कि कितनी इनकी लाइफ होगी, उसी के अकॉर्डिंग जो लिविंग होते हैं वो जिंदा रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो जीते हैं। इसको अगर आप दूसरे वर्ड्स में कहें तो आप ये कहेंगे कि इनकी कभी ना कभी डेथ होनी रहती है, जो लिविंग है वो उनकी कभी ना कभी डेथ होगी। तो ये हो गया नंबर 4, लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट टाइम, डेफिनेट लाइफ स्पैन। लिविंग थिंग जो होती है उनकी एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाते हैं, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होता है, मतलब ये कि लिविंग थिंग में रिप्रोडक्शन होता है। एक छोटा सा अगर मान लीजिए बेबी डॉग है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो एडल्ट होता है, फिर उसके बाद उसके उसी जैसे दूसरे उसके ऑफस्प्रिंग होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, तो ये सारे लिविंग में होता है। एक छोटा सा प्लांट होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसमें सीड होते हैं, फिर सीड को आप लगाते हैं तो फिर और दूसरे सारे प्लांट निकलते हैं। तो लिविंग थिंग में क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं कि कोई कार लेके आएंगे तो फिर वो दूसरा कार भी बन जाएगा उससे। लिविंग थिंग में ही रिप्रोडक्शन होता है, नॉन लिविंग थिंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता।
तो आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि लिविंग थिंग में रिप्रोडक्शन होने का क्या मतलब होता है, मतलब उनके जैसी अगली पीढ़ी फिर आती है उन्हीं से, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में ऐसा नहीं होता। लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, लिविंग थिंग किसी रिस्पॉन्ड करते हैं किसी स्टिमुलस पे, मतलब ये कि अगर हमारे यहाँ एक पेंसिल आप चुभा दें तो क्या होगा, हमारा है हाथ वहां से हट जाएगा, हमारा हैंड जो होगा वहां से हट जाएगा। तो इसने क्या, हमारे हैंड ने रिस्पॉन्ड किया, तो रिस्पॉन्ड करने का जो काज होता है, जिस वजह से रिस्पॉन्ड किया जाता है उसी को कहा जाता है, उसी को कहते हैं स्टिमुलस। तो ये जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है, जैसे हमने हमारे कोई पिन चुभा दिया जाए, या कुछ अगर कोई चीज़ गर्म है उस पर हमारा हाथ पड़ जाए, या कोई चीज़ बहुत ठंडी है, या कोई अचानक बहुत ऊंची आवाज़ आ जाए, तो उस पर क्या होता है हम रिस्पॉन्ड करते हैं। या जो प्लांट के केस में कहा जाए तो आप टच मी नॉट, जिसको छुई मुई कहते हैं, तो छुई मुई जिसका हिंदी नेम लाजवंती होता है, तो उसको क्या होता है, उसको आप टच करते हैं तो क्या होता है, फिर उसकी लीफ क्या होती है, वो लटक जाती हैं। तो ये सब रिस्पॉन्ड करती हैं, लिविंग थिंग जो होती हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग के साथ ऐसा नहीं होता। नॉन लिविंग को आप पिन चुभा देंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन लिविंग थिंग अगर वो है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। लिविंग थिंग यही जो फोटोट्रॉपिज्म होता है या जियोट्रॉपिज्म होता है, फोटोट्रॉपिज्म का मतलब ये कि जैसे मान लिया जाए कि कोई आप एक प्लांट लगाए हुए हैं कहीं डार्क में लगाए हुए हैं और आप विंडो के पास रखे हुए हैं, और विंडो का जरा सा कुछ उसमें से काट दें कि वहां से लाइट आए, तो क्या होगा, उस तरफ लाइट की तरफ मुड़ जाएगा। तो इसी को कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म, मतलब ये कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसी तरह से आप जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म का मतलब ये होता है कि इस तरह से जो एक प्लांट है उसका रूट हमेशा नीचे जाएगा और उसका जो स्टेम है वो हमेशा ऊपर आएगा, तो इसको जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इसके बाद जो सेवेंथ टॉपिक है, लिविंग थिंग नीड फूड, लिविंग थिंग को फूड की नीड होती है, जो नॉन लिविंग थिंग है उनको फूड की नीड नहीं होती, हमें फूड की नीड है। लेकिन ये एक सोचा जा सकता है कि जब मान लिया जाए एक कार है, एक बाइक है, वो चलती है, तो उसके लिए पेट्रोल की तो नीड होती है। लिविंग थिंग्स फूड लेते हैं और जो नॉन लिविंग में जो जिस तरह से कोई फ्यूल डाला जाता है, दोनों में डिफरेंस होता है। लिविंग थिंग में क्या होता है कि जब हम फूड लेते हैं तो वो जो पूरा हमारी बॉडी पर असर डालता है, हमारे एक एक सेल पर असर डालता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हमें चलाने का काम करता है, हमारे एक एक सेल पर उसका असर पड़ता है, उससे हमें हमारा ग्रोथ होता है, हमारे अंदर जो बीमारियां हैं वो उनके क्योर होने में फिर वो जो है हेल्प मिलती है। लेकिन नॉन लिविंग में मान लिया जाए आप उसको फ्यूल से कंपेयर करें, जो आप फ्यूल डालते हैं तो उससे बस ये होता है कि वो इंजन को जब स्टार्ट करता है तो उसको एनर्जी मिला करती है, ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी बॉडी को वो पर वो रिस्पॉन्स होता है, हमारे एक एक सेल पर उसका रिस्पॉन्स होता है। हम कुछ खाते हैं तो उसका असर हमारी स्किन के एक एक सेल पर आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर नॉन लिविंग में आप पेट्रोल डालते हैं, उसमें डीजल डालते हैं, तो उसकी जो बॉडी होती है, गाड़ी की जो कार की बॉडी है, उस पर भी उसका कोई असर पड़ेगा। तो इसको फ्यूल से कंपेयर नहीं किया जा सकता फूड को, जो लिविंग है वो जब फूड लेते हैं उनको फूड की नीड होती है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की नीड नहीं होती, हमें फूड की नीड है। लेकिन नॉन लिविंग को जब आप, अगर आप उसको किसी फ्यूल से कंपेयर करें, तो जब आप उसको चलाना होगा तब आप उसमें पेट्रोल डाल देंगे, अदरवाइज आप उसको कितने भी दिनों तक, कितने भी महीनों तक आप उसको खड़ा रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमें तो इंसानों को या एनिमल्स को या प्लांट्स को, जो भी लिविंग है, उनको फूड की नीड हमेशा होगी। इसके बाद एर्थ टॉपिक देख लेते हैं, लिविंग थिंग एक्सक्रीट, इनमें एक्सक्रीशन होता है, मतलब ये कि उत्सर्जन होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है, चाहे वो यूरिन के फॉर्म में हो और चाहे वो स्वीट के फॉर्म में हो और चाहे जो हम सांस लेते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो हो, तो ये सब एक्सक्रीशन हो गया। इस तरह से एनिमल्स की तरह से प्लांट में भी होता है, उनमें क्या होता है जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर निकलते हैं, चाहे वो जिस तरह से स्टोमेटा होता है उसके थ्रू वेपर्स बाहर निकलते हैं, गैसेस बाहर निकलती हैं। तो जो लिविंग थिंग्स है उसमें क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, और लिविंग थिंग्स रिस्पायर, लिविंग थिंग्स में रिस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। श्वसन होता है, रिस्पिरेशन होता है, इसी से फिर क्या होता है, लिविंग को एनर्जी मिलती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसमें क्या होता है, रिस्पिरेशन होता है। तो लिविंग थिंग में रेस्पिरेशन होता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग में रेस्पिरेशन जैसी कोई चीज बिल्कुल भी नहीं होती। लिविंग थिंग में रेस्पिरेशन होगा, नॉन लिविंग थिंग में रेस्पिरेशन नहीं होगा। रेस्पिरेशन लिविंग थिंग में एरोबिक भी हो सकता है, एनएरोबिक भी हो सकता है, लेकिन रेस्पिरेशन होगा, जबकि नॉन लिविंग थिंग में रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो ये है मेन डिफरेंस लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, जिसमें हमने 9 टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं।
एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. लिविंग थिंग्स सेल्स के बने होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं अपने आप से, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स इस तरह से मूव नहीं करते. लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स साइज में बढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स साइज में नहीं बढ़ते. लिविंग थिंग की एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है कि उनकी लाइफ किस तरह की कितनी रहेगी, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस होते हैं, नॉन लिविंग थिंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता कि वो उनके जैसे दूसरे कोई अगली पीढ़ी फिर आ जाए नॉन लिविंग में. लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस. लिविंग थिंग स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करते हैं. मतलब ये कि आप उनको कुछ, उनमें इमोशंस होते हैं, उनको कुछ कहेंगे तो उस पर वो रिएक्ट करेंगे. उनको अगर आप पिन चुभाएंगे तो उनका हाथ हट जाएगा, या इस तरह से लिविंग थिंग्स में क्या होता है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड. लिविंग थिंग्स को नीड होती है फूड की, जबकि नॉन लिविंग को फूड की नीड नहीं होती. आपको जब उस गाड़ी को चलाना है तो आप उसमें फ्यूल डाल देंगे, नहीं चलाना है तो कोई बात नहीं. तो फूड और फ्यूल को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता. तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, उनको फूड की नीड होती है. लिविंग थिंग एक्रीट, उनमें उत्सर्जन होता है. नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता. लिविंग थिंग्स रेस्पायर. लिविंग थिंग में रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, ब्रीथिंग होती है. नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता. तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग में क्या डिफरेंस है. अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है या इस टॉपिक से अलग भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं. थैंक यू.